हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बताएंगे मैच इट फर्स्ट कार्ड गेम कैसे खेलते हैं। इसमें टोटल 54 कार्ड्स होते हैं। दो तीन तरीके से खेल सकते हैं। मैं पहला वाला मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हमने डिवाइड करके रखा है 27 करके। इसमें 3 वेरिएंट होते हैं, शेप होता है, कलर होते हैं एंड काउंट होते हैं। ठीक है, काउंट लाइक काउंट काउंट मैच हो जाता है ये वाला। और ये काउंट कलर्स है। ठीक है, तो हम बताने दो लोगों के बीच होता है। एक पहला वाला मैच जो दिखा रही हूँ, दो लोगों के बीच होता है, तो प्लेयर वन और प्लेयर टू होते हैं। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, दो लोगों के बीच होता है 27 करके कार्ड्स होते हैं। तो दो लोग अपना अपना एक कार्ड सामने रखते हैं, ठीक है, और तीन तीन कार्ड अपने हाथ में लेते हैं। प्लेयर वन एंड प्लेयर टू, ओके। नाउ नेक्स्ट ये टर्न करते हैं, तो प्लेयर वन देखेगा क्या मैच हो रहा है, इसमें क्या मैच हो रहा है। इसमें काउंट है, 4 काउंट है एंड कलर है। इसमें 2 काउंट है एंड कलर है। और प्लेयर वन के पास कलर है जो वो किसी पे भी डाल सकता है, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। काउंट हो गया। और शेप, शेप तो इधर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो प्लेयर वन देगा इसमें काउंट एंड कलर। ओके, नाउ नेक्स्ट एक कार्ड फिर से ले लेगा प्लेयर वन। नाउ नेक्स्ट सेकंड प्लेयर के पास है रेड कलर है एंड उनके पास शेप्स है, हार्ट एंड ए वाला शेप्स है, तीनों शेप्स है, बट मैच नहीं हो रहा है। देखा आपने, इसमें ना इससे मैच हो रहा है कुछ भी, ना इससे मैच हो रहा है, ना इससे मैच हो रहा है, ना काउंट मैच हो रहा है। तो क्या करेगा, तो सेकंड प्लेयर पास बोल देगा। पास बोलने से प्लेयर वन नेक्स्ट करेगा, ठीक है ना। अभी ये देखिए, अभी इसमें प्लेयर वन के पास क्या है, प्लेयर वन के पास 5 काउंट है, 2 काउंट है, 1 काउंट है, ठीक है। और हमें चाहिए 2 कलर चाहिए, रेड, और 2 काउंट चाहिए या फिर 4 काउंट चाहिए या फिर शेप। देखिए आप, इधर इधर शेप से मिल रहा है, ठीक है, हम ना कलर देखेंगे ना काउंट देखेंगे क्योंकि शेप्स इधर मैच हो रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हो रहा, शेप से हो रहा है, तो नेक्स्ट कार्ड उठाया। देन सेकेंड प्लेयर के क्या हो रहा है मैच, सेकेंड प्लेयर का क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। इसमें सेकेंड प्लेयर का पहले तो कुछ मैच नहीं हो रहा था, अभी काउंट मैच हो रहा है। 1 2 1 2 3 4 5 एंड 5 से काउंट मैच हो रहा है, तो सेकेंड प्लेयर देगा काउंट, ठीक है। फर्स्ट प्लेयर के पास क्या होगा, क्या मैच हो रहा है, उनके पास शेप्स मैच हो रहा है, काउंट भी मैच हो रहा है। देखिए शेप्स भी मैच हो रहा है, काउंट भी मैच हो रहा है, कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, अगर शेप्स दोगे तो शेप्स भी चलेगा, काउंट दोगे तो भी काउंट चलेगा, ठीक है, हम काउंट देते हैं। ठीक है, सेकंड प्लेयर के पास 3 काउंट है एंड शेप्स है, ठीक है, और कलर भी है, तो इसमें कुछ भी दे सकता है कलर में। ये हार्ट भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, कुछ भी दे सकते हो क्योंकि तीनों सेम कलर की है, तो हम ए वाला देते हैं। नाउ नेक्स्ट उठाया, फिर से रेड कलर आया। फर्स्ट प्लेयर के पास अब क्या है, अब देख सकते हो उनके पास ए ब्लू कलर वाला मैच हो रहा है, बट और कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। मैच हो रहा है, इसमें पिंक कलर मैच हो रहा है इनके साथ, तो कुछ भी दे सकते हो।
शेप्स। ओके, ऐसे करते करते हम एंड तक जाएंगे। शेप, इसमें एक चीज़ है, इसमें जैसे ये शेप है, ये शेप हो गया, इसमें और काउंट भी हो गया। ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो तीनों में से। इसमें इसके साथ शेप मैच हो रहा है, काउंट की ज़रूरत नहीं है, और इधर काउंट मैच हो रहा है, ठीक है। इधर भी काउंट मैच हो रहा है, शेप अलग है, कलर अलग है, ठीक है। हम कुछ भी दे सकते हैं काउंट। नेक्स्ट हमारा शेप एंड उठाना है, शेप एंड उठाना है, काउंट उठाना है, शेप मैच हो रहा है, काउंट मैच हो रही है, शेप। कलर 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 काउंट कलर काउंट कलर काउंट कलर दोनों में कलर शेप काउंट शेप कलर काउंट इसमें से ये वाला काउंट। ओके, कलर एंड काउंट color
काउंट एंड कलर, कलर कलर काउंट ओके शेप एंड कलर एंड काउंट. नाउ नेक्स्ट इज शेप और शेप से मैच हो रहा है. प्लेयर वन विन हो गई. विनर इज प्लेयर वन. ओके ये एक तरीके का गेम है. इधर दो दो बज गया क्योंकि हमने सेकंड प्लेयर ने एक बार पास बोला था, मैच नहीं हो रहा था, पास बोला था तो सेकंड प्लेयर हार गए. ओके किसी में भी डाल सकते हो, किसी में भी डाल सकते हो. ओके ये एक तरीके का गेम है. नेक्स्ट दूसरा वीडियो में मैं डालती हूँ दूसरे तरीके से. ठीक है, एंजॉय कीजिए समर वेकेशन. बाय.